नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल परीक्षा एन अकेडमी पे। दोस्तों, आपकी वीडियो री एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही करनी है। तो उसी के लिए हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें कि आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करना है। ठीक है, इसमें काफी अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के प्रैक्टिस सेट की। लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, संबंध कारक का चिन्ह है। ठीक है, हमें चिन्ह बताना है संबंध कारक का क्या है, मे या मे पर, के लिए, रारी रे या से। तो संबंध कारक का चिन्ह बताना है। तो संबंध क्या, जो किसी से संबंध दिखाए। ठीक है, तो संबंध किससे दिखाता है, काकी के रारी रे। हम लोग पढ़े हैं क्या, काकी के रारी रे, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही होगा। संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा, काकी के या रारी रे होगा। मे पर किसका होता है, अधिकरण कारक। ठीक है, ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। संप्रदान किसका होता है, जब किसी के लिए कुछ वास्ते दिया जाता है तो वो किसका होता है, संप्रदान का होता है। से आपका किसका होता है, एक तो करण कारक का होता है, ठीक है, और एक अपादान कारक का होता है। लेकिन अपादान में क्या होता है, अपादान में अलगाव के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपादान में अलगाव को चिन्हित करने के लिए होता है। तो कारक चिन्ह भी आप ध्यान से देख के जाइएगा। तो यहाँ संबंध कारक का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग, क्या ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। बताइएगा क्या होगा, ड्राफ्टिंग है अंग्रेजी शब्द, उसका भारत सरकार द्वारा हिंदी अनुवाद क्या लिया गया है। बताइएगा, टिप्पणी, आरोपण, प्रस्ताव या फिर प्रारूपण। तो दोस्तों, ड्राफ्टिंग को कहते हैं प्रारूपण, क्या कहते हैं हिंदी में, प्रारूपण, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, क्या, प्रारूपण। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, विलोम युग्म दिया, यानी विलोम का जोड़ा दिया हुआ है, कौन सा बता रहा है, एक से गलत है। तो गुड़ और दोष, गुड़ का दोष होता है, तो ये सही आपका। न्यून का अधिक होता है, ये भी सही आपका। पाप का पुण्य होता है, ये भी सही विलोम युग्म है। वृहत विशाल नहीं, ये समानार्थी हो जाएगा, ये विलोम नहीं है। वृहत का क्या होता है, वृहत का लघु या सूक्ष्म हो जाएगा, तो यही आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, क्या, ये विलोम युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तालव्य व्यंजन है। ठीक है, हमें तालव्य व्यंजन बताना है कौन सा है, छ छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध या फिर प फ ब भ। तो दोस्तों, तालव्य, तालव्य देखिए आपके किस में आता है, छ छ ज झ, ये क्या होते हैं, तालव्य, जो तालु से बोले जाते हैं। अगर संस्कृत में आप याद करें होंगे सूत्र, तो इचू यसा नाम तालु। ठीक है, जो च वर्ग के व्यंजन होते हैं, छ छ ज झ, ये किस में आते हैं, ये आपके तालव्य व्यंजन में आते हैं। ट ठ ड ढ ये मूर्धन्य होते हैं, तथा दधा ये दंत व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी आप ध्यान रखिएगा। तालव्य व्यंजन क्या है, छ छ ज झ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उंगली पर नाचना, उंगली पर नाचना का अर्थ होगा, बताइए क्या होगा। उंगली पर नाचना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। दोस्तों देखिए, पहले और दूसरा जो ऑप्शन है बहुत ही ज्यादा इसमें समानता है, बस थोड़ा सा अंतर। इसमें लिखा अपनी इच्छा अनुसार चलाना, इसमें से किसी की इच्छा अनुसार चलना, तो यह दिया उंगली पर नाचना, जब नाचना दिया है तो यह होगा किसी की इच्छा अनुसार चलना, ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दांतों तली उंगली दबाना, दांतों तली उंगली दबाना का अर्थ होगा, बताइए क्या होगा इस मुहावरे का अर्थ, मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना। तो दोस्तों क्या होता है, किसी चीज को देख के कहते हैं वो दांतों तले उंगली दबा ली, यानी आश्चर्य, आश्चर्य कर देने वाली बात हो जाती है। बहुत हैरान होना भी होगा, लेकिन यह जो सटी होगा आश्चर्य, आश्चर्य करना, तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द है, यानी जब कोई इसी संस्था का 25 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके लिए कौन सा शब्द दिया जाता है, बताइए, हीरक जयंती, शताब्दी, रजत जयंती या फिर स्वर्ण जयंती। तो दोस्तों, 25 वर्ष पूरे होने, देखिए हीरक जयंती क्या होता है,
इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायमंड जुबली। जब 60 वर्ष पूरा होता है तो हम हीरक जयंती मनाते हैं। शताब्दी क्या होता है? 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी होता है। रजत जयंती, हाँ आपका आंसर जो होगा 25 वर्ष पूरे होने पे क्या होता है? रजत जयंती। और 50 वर्ष पूरे होने पे स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। याद रखिएगा सिल्वर जुबली यानी रजत जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? ठीक है, उपसर्ग रहित यानी इसमें से किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? संगम, क्रोध, विमोचन, प्रत्यर्पण। तो देखिए इसमें संगम में सम उपसर्ग लगा है, विमोचन में वी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग आपको दिखेगा, ठीक है, लेकिन क्रोध में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उपसर्ग जो इस शब्द के आगे जुड़कर वाक्यों में नवीनता ले आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्रोध में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा, हमें सही शुद्ध बताना, शुद्ध वाक्य बताना क्या होगा? एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध है वो है पानी का एक गिलास ले आओ। क्या? पानी का एक गिलास ले आओ, ये आपका शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। हमें इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा बताना है, ठीक है। राम घर गया उसने माँ को देखा, राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अथवा उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संयुक्त क्या होता है? जब हमें उन्हें किसी संयुक्त यानी किसी से जोड़ देते, किसी शब्द से जोड़ते हैं, जैसे और या ये सब से जोड़ते हैं। तो देखिए राम घर गया और से यहाँ जुड़ा है तो यही आपका संयुक्त हो जाएगा। दो वाक्य को जोड़ दिया गया है, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राम रमापति, राम रमापति कर धेनु लेहु, राम रमापति कर धेनु लेहु धनु लेहु, राम राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? ठीक है, अलंकार बताना है। वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो दोस्तों राम रमापति, आप यहाँ देखेंगे र और र वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, क्रम से दो बार हो रही है। तो जहां पे भी वर्ण की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, यमक क्या होता? जब एक शब्द की आवृत्ति दो बार होती है और उसका अर्थ अलग होता है तब यमक हो जाता है। श्लेष यानी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं। ठीक है, जब एक शब्द के कई अर्थ निकलेंगे तो वो श्लेष अलंकार हो जाएगा। वक्रोक्ति यानी कहा कुछ और जाए उसका अर्थ कुछ और लगा लिया जाए, यानी टेढ़ा अर्थ लगा लिया जाए तो वक्रोक्ति होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी छाटी है, हमें सही वर्तनी वर्तनी शुद्धता वाला बताना है, कौन सा है बताइएगा। इसमें 12 से लेकर 16 तक के वर्तनी शुद्ध वाले शब्द हमें बताना है, कौन सा कितने शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो पहला 12 देखते हैं। 12 में देखिए दिया है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या फिर ज्योत्सना। तो ज्योत्सना कैसे सही लिखाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं ज्योत्सना ऐसे सही लिखाता है, ध्यान देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अब अगला देखिए 13 में क्या कह रहा है। कवयित्री, कवयित्री कैसे सही लिखाता है? देखिए कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री या कवित्री। तो दोस्तों जो शुद्ध होता है वो कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री, ध्यान से देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14वें में क्या कह रहा है। उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे सही लिखवाएगा? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। दोस्तों आप देख रहे हैं ना ऑप्शन नंबर डी जो लास्ट में है दोनों में आधा जा रहता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी वर्तनी शुद्धता बताना है। देखिए जिजीवसा, जिजीवसा मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा। जिजीवसा, जिजीवसा, जजीवसा या फिर जिजीविसा, कौन सा सही शुद्ध लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो पहला लिखा है जिजीविसा यही आपका शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला देखिए 16 का छह 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 छह, कौन सा शुद्ध लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका छह ऐसे ही लिखा जाता है, ये शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 से 21 के लिए, ठीक है, निर्देश है। नीचे चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के तीन पर्याय हैं, ठीक है, और एक भिन्नार्थी है उसे चुनना, यानी तीन समानार्थी है, पर्यायवाची और एक भिन्न है, उनको हमें बताना है। चलिए 17 से 21 के लिए, 17 में देखिए उत्सव दिया, उत्साह दिया, पर्व दिया, समारोह। तो दोस्तों देखिए उत्सव, पर्व और समारोह ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं,
लेकिन उत्साह क्या है, उत्साह इनसे भिन्न है, तो ये इसमें नहीं रहेगा, उत्साह उमंग ये सब अलग है। अगला देखिए 18 क्या दे रहा है, दिवस वासर दिन प्रसून। तो दोस्तों देखिए दिन वासर दिन ये सब क्या होता है, दिवस ये सब दिन के पर्यायवाची है, लेकिन प्रसून प्रसून एक अलग है। प्रसून किसका है, फूल पुष्प कुसुम, ठीक है ये फूल का आपका पर्यायवाची है, तो ये आपका भिन्न है। आगे बढ़ चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, इसमें से भिन्न क्या है बताना है, ठीक है। कनक स्वर्ण हीरक हेम, तो दोस्तों कनक स्वर्ण और हेम ये तीनों आपके किसके हैं, सोना के पर्यायवाची हैं, ठीक है सोना के पर्यायवाची हैं, लेकिन हीरक क्या है, ये आपका हीरा का पर्यायवाची, तो यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए अश्व है तुरंग कुंजर, अश्व है तुरंग ये सब घोड़ा के किसके हैं, घोड़ा वाजी घोटक, ठीक है ये सब किसके घोड़ा के हैं, लेकिन कुंजर किसका है, कुंजर आपका हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है हाथी कुंजर हाथी के लिए होता है, कुंजर होता है, ठीक है मतंग होता है, ये सब हाथी का पर्यायवाची याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल पयोधर वारिज वारिद, तो दोस्तों बादल पयोधर वारिद अम्बुद, जिसमें भी द लगा रहेगा लास्ट में द आता है वो किसका होता है, बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक है लेकिन यहाँ ज लगा है तो वारिज वारिज पूरा किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कमल का, जहां भी लास्ट में ज लगे पंकज नीरज अंबुज वारिज ये सब किसके हैं, आपके कमल के पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भिन्न हो जाएगा इन सबसे। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देश 22 से 26 के लिए, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम बताना है, ठीक है सही नाम संधि कौन सी होगी इसमें बताना है। सन्मार्ग, ठीक है सन्मार्ग है पहला, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो सतधन मार्ग होगा, सतधन मार्ग होगा। तो यहाँ त से किसका, त से नाम में परिवर्तन हो रहा है, और ये आपके नियम है व्यंजन संधि का नियम है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है कौन सा, सन्मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कह रहा है ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, ज्ञानोदय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे ज्ञान धन उदय, ठीक है यहां से आपका निकलेगा अ, यहां से निकलेगा आपका उ, और दोनों मिलके संधि वर्ण कौन सा बनाएंगे, ओ, तो जहां भी ए ओ आर आता है वो कौन सी संधि होती है, गुड़ संधि होती है, और गुड़ संधि आपका किसका भेद है, तो आपको पता होना चाहिए गुड़ संधि आपके स्वर संधि का भेद है, तो ये ज्ञान हो जाए आपके किस में चला जाएगा, स्वर संधि में चला जाएगा, याद रखिएगा जहां भी ओ आर आएगा वहां आपका गुड़ संधि होता है, गुड़ संधि आपके स्वर संधि का भेद है, तो ये आपका स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निराधार, निराधार में कौन सी संधि है, स्वर संधि विसर्ग संधि व्यंजन संधि या अनमिस कोई नहीं, तो निराधार का जब आप संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो होता है निधन आधार होता है, क्या होता है निधन आधार, यहाँ विसर्ग का क्या होता है, विसर्ग का र में परिवर्तन होता है, ठीक है ये आपकी विसर्ग संधि का नियम है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी निराधार किस संधि में जाएगा, आपके विसर्ग संधि में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हम लोग, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि, हमें बताना है विसर्ग किस संधि किसमें है, अतएव नरेंद्र सज्जन सदैव। तो दोस्तों देखिए अतएव का अगर हम करेंगे तो पहला ही आपको मिल जाएगा अतः धन एव, ये आपका किसका है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, विसर्ग संधि का है। नरेंद्र आपका क्या है, ये स्वर संधि का है। सज्जन आपका व्यंजन संधि का है। सत धन जन सदैव आपका किसका है, सदा बड़ी मात्रा दिख रही है तो ये भी आपका किस में चला जाएगा, स्वर संधि में, याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि कौन सा होगा, अतएव हो जाएगा, विसर्ग संधि अतः धन एव अतएव। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, ठीक है हमें व्यंजन संधि बताना है किसमें है, सप्तर्षि निराधार सत्कार हिमालय, व्यंजन संधि बताना है। तो दोस्तों देखिए सप्तर्षि इसमें तो स्वर संधि है, गुड़ स्वर संधि, ठीक है यो और जहां है वहां गुड़ स्वर संधि होता है, ठीक है। निराधार इसमें कौन सी है, विसर्ग संधि अभी बताया था मैंने, सत्कार यही आपका कौन सा है, व्यंजन संधि, सत्कार में कौन सा है, व्यंजन संधि है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी हिमालय में कौन सी है, स्वर संधि आपकी, दीर्घ स्वर संधि है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी सत्कार में कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि पूछा था, सत्कार में व्यंजन संधि होगी। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्देश 27 मतलब क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 27 से 30 के लिए, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन करना है, ठीक है हमें समास बताना है कौन सा समास होगा। पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है पीताम्बर में बताना है तत्पुरुष बहुव्रीही अव्ययी भाव या द्विगु। तो दोस्तों पीताम्बर देखिए वैसे तो कर्मधारय और बहुव्रीही दोनों के लिए यूज होता है,
पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी जब प्रयोग होता है तब वो आपके बहुव्रीहि, और यहाँ पे आपका बहुव्रीहि दिया है ठीक है। या पीला वस्त्र होता तब तो वो कर्मधारय में जाता है, यहाँ कर्मधारय दिया भी नहीं है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा ठीक है। अव्ययी कब होता है, जब आपका प्रथम पद क्या होता है अव्यय रहता है, जब प्रथम पद अव्यय रहेगा तो वो अव्ययी भाव समास होगा द्विगु, यानी जब प्रथम पद संख्यावाची वो हो जाएगा आपका द्विगु, और तत्पुरुष में क्या रहता है इसमें पूरे जितने कारक रहते हैं उनके चिन्हों का लोप रहता है ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, पीताम्बर में बहुव्रीहि। चरण कमल में कौन सा समास है, तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि अव्ययी भाव, इसका विग्रह करेंगे तो आता है चरण रूपी कमल, क्या चरण रूपी कमल, तो जहाँ रूपी समान ये सब आता है ये सब कर्मधारय समास का, चरण रूपी कमल तो ये आपका किसका कर्मधारय है, जहां विशेषण विशेषति का संबंध दर्शाया जाए ठीक है, वहां पे क्या होता है वहां पे आपके कर्मधारय समास होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए घुड़सवार, घुड़सवार में कौन सा है, द्विगु है कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययी भाव, तो घुड़सवार का अगर आप विग्रह करेंगे तो होता है घुड़ पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष समास आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है ना तो ये कौन सा हो गया तत्पुरुष समास, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, घुड़ पर सवार, यहाँ जो अधिकरण विभक्ति का लोप हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए गर्भ शून्य कर्म तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष करण तत्पुरुष अपदान तत्पुरुष, यानी इतना तो कंफर्म है कि ये तत्पुरुष है लेकिन तत्पुरुष कौन सा है ये बताना है, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे होता है गर्व से शून्य, क्या होता है गर्व से शून्य, यानी कोई चीज किसी से जब अलग हो दूर हो, अलगाव का दिखाए गर्व से शून्य मतलब उसके पास गर्व नहीं है, तो ये आपका कौन सा होगा अपादान से कौन सा, तभी आपके अपादान में जाएगा ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कौन से आपके हो जाएगा अपादान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, कौन सा अपादान तत्पुरुष। दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।